अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तस्नीम्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। अमूमन बच्चे घरों में नहीं खाते हैं सब्ज़ी, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा क्विक है, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ वो कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा क्विक हो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हाउसवाइफ्स के लिए कुकिंग ईजी हो जाए और बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल लेंगे हम एक कप। पीछे शोर बहुत आ रहा है, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि लाइट गई भी है पूरे एरिया में। लाइट का ब्रेकडाउन हुआ हुआ है और पीछे जनरेटर चल रहा है, उसकी वजह से काफी शोर आ रहा है। तेल गर्म हो जाए तो हम टोमेटो का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, इसमें जो है, मैं जल्दी करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि टोमेटो और प्याज को मैं एक साथ पीस लेती हूँ। मैंने तीन बड़े टमाटर लिए हैं और दो छोटी, मतलब छोटी से थोड़ी सी बड़ी होगी, दरमियानी साइज़ की, वो प्याज को लेके एक साथ मैंने पीस दिया है, ताकि टाइम सेविंग हो। हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। पिसी भी हरी मिर्च, वन टेबल स्पून पिसी भी हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कटर मिर्च भी कहा जाता है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये आप अपने जायके के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई अगर कम खाना चाहे मिर्ची तो वो कम भी डाल सकता है। हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, और ये मेरी किचन का सबसे मेन स्पाइस है जो मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ 1 टेबल स्पून। हम इसको मिक्स करके भूनने के लिए थोड़ी देर ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से भून जाए, इसका पानी ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। अच्छा, सब्जियों में जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिया है वो मैं आपको बता दूं। फूल गोभी ली है मैंने, लौकी, गाजर, आलू, बैंगन, ये है सोया, पालक और छोटी मेथी। सब मैंने वॉश करके रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो छोटी मेथी होती है इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको स्ट्रेनर में धोने का तरीका नहीं होता कि हम हर सब्ज़ी को तो स्ट्रेनर में डाल के धो लेते हैं, बट इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको आप बाउल में पानी भरें और उसके ऊपर ये डाल दें सारी मेथी बाउल में ही, फिर आप इसको अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे करके वॉश करें और उसको निकाल लें। इसी तरीके से 2-3 बार करेंगे, वो सारी जो मिट्टी है वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी और आपकी मेथी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। स्ट्रेनर में डाल के धोएंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं पत्थर इसमें बचेगा, जो कि आपको अंदर जाके पथरी का या स्टोन का सबब बन सकता है। अच्छा जी, सालन हमारा भून चुका है। मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको, जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो ऑफकोर्स खाना पकाती हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चियाँ ज़्यादातर कुकिंग चैनल देख के सीख रही होती हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जब भी वो प्याज पीस के डालें, बाद में सालन भूनने के बाद इस तरीके से छींटे उड़ते हैं, तो प्लीज़ उसको कैप कवर कर दिया करें और आप अपना फेस और अपने हाथ बचाएँ, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से छींटे उड़ते हैं, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। ये देखिए, हमारा सालन अच्छी तरीके से भून चुका है। हम लास्ट में इसमें डालेंगे सॉल्ट। तेल ऊपर आ चुका है, सालन का कलर चेंज हो गया है, अब सब्जियां डाल देंगे हम। अच्छा, सब्जियों में पानी खुद ही निकलता है, जो पालक और जो ग्रीन हर्ब्स होती हैं उनमें पानी खुद निकलता है,
तो पानी बिल्कुल ना डालें, वो अपने ही पानी में पकता है। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी। इसके बाद डालेंगे ये सोया। साबित मिर्चें, आलू, कैरेट्स, लौकी, फूलगोभी, बारीक कटी हुई पालक, मिक्स करने के बाद लास्ट में हम डालेंगे बैगन और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। हाँ जी, तो सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब चीजें देखे बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल ज्यादा पका नहीं ली है, वरना पकाने से वो क्या मजा नहीं देती है। चलें निकालते हैं सर्विंग बाउल में। आपको हर सब्जी थोड़ी सी रॉ दिखेगी। सब्जियों को थोड़ा सा रॉ रख के ही खाना चाहिए, वरना अगर हम ज़्यादा पका लेंगे इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं सब डाइल्यूट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।